तो मूवी आई और चले भी गई, लेकिन अपने पीछे कई टाइटंस को छोड़ के जाती है। आज के इस वीडियो में गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में हमें जितने भी टाइटंस देखने को मिले हैं हम सबको लपेटेंगे। हाँ, हमें 20+ टाइटन इस मूवी में देखने को मिले हैं, तो सबके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। नंबर वन, स्काइला। स्काइला एक स्पाइडर टाइटन है जो 2019 की गॉडज़िला द किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी हमें दिखी थी। इस मूवी में ये टाइटन हमें फिर से दिखी गॉडज़िला से ही बैटल करते हुए। इसका और गॉडज़िला का बैटल मूवी के फर्स्ट हाफ में था एंड यहीं पे खत्म होता है, जहां गॉडज़िला इसे बहुत बुरी तरह बीट करता है। अब स्पाइडर होने की वजह से ये लिक्विड नाइट्रोजन एमिट कर पाती है, जिससे ये किसी को भी गला सकती है अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी तो गॉडज़िला के साथ बैटल में आप देख चुके हो। नंबर टू, टाइमट। टाइमट 847 फीट टॉल टाइटन है, यानी गॉडज़िला से भी दो गुना ज्यादा। टाइमट गॉडज़िला की तरह पानी की गहराइयों में रहता है एंड इसके पास भी एक मेन एबिलिटी है, फॉस्फोरस इंक। इससे ये एसिड ब्रीथ को परफॉर्म करता है एंड अपने अपोनेंट को गला देता है। और दूसरा, इसके पास हाइड्रोकाइनेसिस है, जिससे ये वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड वाटर बबल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। अब गॉडज़िला ने टाइटनस टाइमट को मार दिया था मूवी की शुरुआत में, क्योंकि इसे और भी रेडिएशन चाहिए था एंड टाइमट के पास दुनिया भर का रेडिएशन है। अब नंबर थ्री, कॉन्ग ट्राइब। वैसे तो कॉन्ग एक विशाल एप है, लेकिन इस मूवी में हमने उसका एक पूरा साम्राज्य देखा जो कि स्कार किंग के अंडर था। अब स्कार किंग इन सबको गुलामों की तरह या स्लेव्स की तरह ट्रीट करता था। बाकी कॉन्ग की स्पीसीज है तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस तो इनके पास होगी। खैर, नंबर फोर, सुको, जिसको इस मूवी में मेंशन किया गया एज अ बेबी कॉन्ग, जो कि ऑर्गेंटल स्पीसीज से ही बिलोंग करता है, जिससे स्कार किंग करता है। लेकिन इस एप की सबसे खास बात यह है कि स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस होने के साथ साथ ये बैटल में भी काफी कमाल का है। अगर आप इस छोटे से एप की बैटल देखोगे इस मूवी में तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर फाइव, टाइटन शिमो। तो शिमो मॉन्स्टरवर्स का फाउंडिंग टाइटन है, यानी फर्स्ट टाइटन, एंड और कई अल्फा टाइटन्स को अगर छोड़ दिया जाए तो ये मॉन्स्टरवर्स का सबसे पावरफुल टाइटन है। अब शिमो के पास आइस ब्रीथ की एबिलिटी है, ये आइस रिलेटेड अटैक्स कर सकता है एंड इसी की वजह से आइस एज भी हुआ था। आपने देखा होगा कि इसके फ्रोस्ट बाइट ने कॉन्ग के एक्स को उससे अलग किया था एंड उसके आर्म को डैमेज कर दिया था, लेकिन इस टाइटन को भी कंट्रोल कर रहा था स्कार किंग अपने विप स्लैश क्रिस्टल से, जो कि उसे वॉर बैट की टेल से मिला था। नंबर सिक्स, स्कार किंग। इस मूवी में स्कार किंग का खौफ बहुत ज्यादा था, वो बात अलग है, दिखाई नहीं, लेकिन स्कार किंग ने कॉन्ग के पूरे ट्राइब को कब्जे में लिया था, टाइटन शिमो को कंट्रोल कर रहा था एंड साथ इसका ओरिजिन भी हमें पता चलता है। तो स्कार किंग कई साल पहले भी अर्थ सरफेस को लेना चाहता था, यानी मेन सरफेस को, लेकिन उस टाइम गॉडज़िला उसके सामने आया एंड उसने उसको बीट किया एंड ट्रैप कर दिया होलो अर्थ में। और इसकी किस्मत सचमुच काफी खराब थी, क्योंकि जब दूसरी बार इसने अर्थ सरफेस को कब्जे में लेने के बारे में सोचा तो इस बार गॉडज़िला के साथ साथ कॉन्ग ने मिलके इसे बीट कर दिया। बाकी अगर इसकी एबिलिटीज की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एजाइल था, यानी एजिलिटी, कॉन्ग के जितने भी अटैक्स थे इनसे ये डॉच कर पा रहा था। और बाकी ये लैसो की तरह एक वेपन का यूज करता है, जिससे इसने कॉन्ग के ऊपर भी कई कट्स छोड़े थे। नंबर सेवन, मोथरा। तो क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स मोथरा का भी रीबर्थ हमने इस मूवी में देखा। हाँ, 2019 वाली मोथरा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्राइब में इस मोथरा को एज अ सेवियर माना जाता था एंड गाया की वजह से मोथरा वापस आई, और इसी रीजन की वजह से इस मोथरा का कलर अलग है, बट बटरफ्लाई होने की वजह से एबिलिटीज तो सेम ही रहेंगी। स्टिंग शॉट जैसे अटैक्स अभी भी मोथरा कर सकती है, ये फ्लाइट कर सकती है एंड इसने गॉडज़िला एंड कॉन्ग की काफी हेल्प की स्कार एंड शिमो को बीट करने में। और बिलीव मी, जब गॉडज़िला और कॉन्ग आपस में ही बैटल कर रहे थे एंड मोथरा ने बीच में आके उन्हें रोका तो वो बिल्कुल वंडर वुमन की तरह लग रही थी, फ्रॉम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। नंबर एट, कॉन्ग। कॉन्ग एक जाइंट एप है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंस इसके पास है एंड जहां तक मुझे लगा कि ये मूवी टोटली कॉन्ग को बिलोंग करती है, क्योंकि गॉडज़िला शुरू से लेकर लास्ट तक टाइटन्स को मारता हुआ दिखा है एंड उनके रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता हुआ दिखा है, लेकिन ये स्टोरी लिंक्ड थी कॉन्ग के साथ एंड इसके साथ ही परफेक्ट हो सकती थी। इसमें कॉन्ग मैकेनिकल ग्लव्स का भी यूज करता है, स्कार किंग के दांत को भी तोड़ता है एंड लास्ट में स्कार किंग को बीट करता है। और आई थिंक ये बात तो मेंशन भी थी कि गॉडज़िला एक्स कॉन्ग मेनली कॉन्ग के ऊपर फोकस करने वाली है। क्या, नंबर नाइन, गॉडज़िला। अब वैसे तो गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर है एंड इस मूवी में दिखा भी, बट गॉडज़िला का ज्यादा रोल इस मूवी में नहीं था। अब इस ग्रेट लिजार्ड को तो आप जानते ही होंगे, जिसके पास एटॉमिक ब्रीथ, न्यूक्लियर पल्स और न जाने कितनी एबिलिटीज है। अब इस मूवी में गॉडज़िला पिंक कलर का था, क्योंकि इसने टाइमट को मार दिया था एंड उसके रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिससे ये पिंक कलर के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल था।
अब इन नौ टाइटंस को छोड़ के एक और टाइटंस मेरे नजरिए में आया जो कि था कि जायंट वाटर स्नेक जिसे ड्रॉन वाइपर कहा जाता है। तो अब ये वो स्नेक है जिसके साथ होलो अर्थ में कोंग का बैटल हुआ था एंड कोंग ने मस्ट फ्राई करके इसे खा भी लिया था। तो अब ये तो थे वो 10 मेन टाइटंस जिनको थोड़ा बहुत स्क्रीन टाइम भी मूवी में दिखा था लेकिन जिनकी छोटी मोटी झलकी देखने को मिली है, अब वो 10 सुन लो। नंबर 11 लीफ विंग्स। अब इन टाइटंस को या इन उड़ने वाले पक्षियों को हमने ट्रेलर में भी देखा था तो फर्स्ट शो ऑफ के लिए है। नंबर 12 वॉर बैट्स। अब वॉर बैट्स वही उड़ने वाले टाइटन है जो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी दिखे थे जहाँ पे कॉन्ग ने इनको भी खा लिया था। लेकिन इस टाइटन के बारे में सबसे खास बात कि इसकी टेल से ही वो क्रिस्टल निकलता है जिससे टाइटन शिमू को कंट्रोल कर रहा था स्कार किंग। और भी कई उड़ने वाले टाइटन्स दिखे जैसे नंबर 13 हेल हॉक्स, नंबर 14 होलो अर्थ लिजार्ड। अब ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी था एंड इस मूवी में भी था जहाँ पे भी ये कॉन्ग का खाना ही खा रहा था। नंबर 15 वॉर डॉग्स। ये वही डॉग्स है जो हमें ट्रेलर में भी दिखे थे जो कॉन्ग के साथ साथ भाग रहे थे। नंबर 16 पैरेट फ्रॉग। अब ये वही है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखा था एक छोटी सी झलक एक मेंढक की, हाँ वही। नंबर 17 वेट असेंसियस। अब ये येलो बर्ड लाइक टाइटन है जो कि हमें फाइनल बैटल के दौरान इधर उधर उड़ते हुए दिख रहे होंगे। अब इन येलो वर्ल्ड्स का ज्यादा बड़ा रोल तो हमें नहीं दिखा लेकिन फाइट के बीच में इंटरप्ट करना कोई इनसे सीखे। नंबर 18 मिमिक ट्री। अब ये वही ट्री है जिसने होलो अर्थ एयरली व्हीकल के पायलट को निगल लिया था। और अब लास्ट में 19 and 20 दो टाइटन्स को इस मूवी में फिर से मेंशन किया गया और वो थे गिडोरा एंड मेका गॉडजिला। नहीं इनके रिटर्न के बारे में नहीं बस जस्ट पास्ट के बारे में तो बता रहे थे तो थोड़ा बहुत दिख गए। तो ओवरऑल ये थे वो 20 टाइटन्स जो कि हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में देखने को मिले हैं। इसके अलावा और भी कई हो सकता है मैंने नोटिस नहीं किया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और लास्टली आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। पर्सनली आई लाइक इट क्योंकि मॉन्स्टर्स के ही बैटल थे तो एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाओगे तो मूवी फर्स्ट क्लास है। देखो इंसानों का ज्यादा बड़ा रोल पूरी मूवी में कहीं है ही नहीं क्योंकि मूवी मॉन्स्टर्स के ऊपर फोकस करती है। हाँ एक बड़ा ड्रॉबैक यही रहेगा कि स्कार किंग का ज्यादा रोल नहीं दिखा, मतलब जितना खौफ ट्रेलर से उसका दिख रहा था वो कहीं दिखा ही नहीं एंड इसके पास्ट के ऊपर भी ढंग से रोशनी नहीं मारी गई है। स्कार किंग इतना पावरफुल कैसे बना, गॉडजिला से बैटल के लिए किस तरह तड़पा, वो सब कुछ देखना हमें नहीं मिला। तो स्कार किंग को लेके तो मैं कहूंगा नहीं लेकिन बाकी मूवी इस फर्स्ट क्लास, आप देखना चाहते हो तो एंजॉय कर लो। लेकिन ये तो वो 20 टाइटन जो हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में दिखे हैं या कहीं ना कहीं मेंशन हुए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।